ठगों द्वारा नौकरी दिलाने के नाम से पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पैसे वापस मांगने पर दे रही फंसाने की धमकी। आजमगढ़ जिले में विश्वास धोखा और फिर धमकी देने का मामला प्रकाश में आया। ये बातें हम नहीं बल्कि जिले के जाफरपुर स्थित काशीराम आवास में रहने वाले लोग बता रहे हैं। पीड़ित कई लोग एसपी दरबार पहुंच न्याय की गुहार लगाई और कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे काशीराम आवास निवासी मुन्नी देवी ने बताया, आवास में रहने वाली एक महिला रंजना मिश्रा व उसका पति पीड़िता का पुत्र को गोरखपुर एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का लालच देकर उसके 2,51,850 रुपए ले लिया और नौकरी का फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिया। जब उसका पुत्र गोरखपुर नियुक्ति पत्र लेकर पहुंचा तो वहां अधिकारी डांट कर भगा दिए। तब जाकर पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ। पहले उसको आरोपी विश्वास में लिया और फिर उसके साथ धोखा हुआ। इतना ही नहीं, जब वह पैसा वापस मांगने लगे तो किसी तरह से उसने 23,000 रुपए वापस किए। शेष पैसे की मांग करने पर आरोपी गण फर्जी मुकदमे में फंसाने व जान माल की धमकी देते हैं। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी को रुपए देने व अन्य साक्ष्य भी मौजूद है, बावजूद उसके कोई कार्यवाही पुलिस नहीं कर रही। पीड़ितों के साथ पहुंची समाजवादी पार्टी की नेत्री सपना निषाद ने बताया, सभी लोगों को जब न्याय नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। पीड़ितों ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं सपना निषाद, मैं प्रदेश सचिव हूं, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूं। अभी आप लोगों ने हाल में ही सुना होगा कि एक हफ्ते पहले भी हम आए थे माननीय एसपी साहब के यहाँ, और इन महिलाओं के लिए जो है कि हम आगे आए थे, क्योंकि इसलिए आए थे कि भाई तमाम जगह जो है धोखाधड़ी और जालसाज महिलाएं आजकल इधर उधर अधिकारियों के नाम पे फ्रॉडगिरी कर रही हैं, और हमें विश्वास भी है कि ऐसे फ्रॉडगिरी लोग बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है, झूठों की नहीं होती है। अभी आप देख रहे हैं आकाश गौड़ और तमाम महिलाओं की भी, और एक राजू गुप्ता, तमाम लोगों का पैसा ले करके, रंजना मिश्रा नाम है, महिला कल्याण विभाग अपने आप को अधिकारी बताती हैं, और बताते हुए जो है पैसा लेती हैं नौकरी के नाम पे, इंडिगो की नौकरी दिलवा रही हैं, और इंडिगो की नौकरी के साथ साथ जो है सरकारी ज़मीन भी दिलवा रही थी। हमारे पास कई प्रूफ इन बच्चों के माध्यम से रखा हुआ है, ये लोग अभी आपको बताए भी होंगे, और हमारे पास भी है, और कई रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से किसी को, गरीबों को नहीं फंसाना चाहिए अधिकारियों के नाम से। मैं माननीय एसपी साहब से निवेदन चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जांच हो, दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाएं और पूछताछ करें, और ऐसे लोगों की कड़ी से कड़ी सजा दें। और मैं एक और अपील करना चाहती हूँ कि इन परिवार को पैसा जिस तरह लिए हैं वो वापस पैसा करें। जब तक पैसा नहीं देंगी, हम सपना निषाद और जो है महिलाओं के साथ खड़ा रहेंगे, और यही नहीं, जहाँ तक जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊँगी, क्योंकि हम एक समाज सेविका हैं, हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं किसी से। सर, मेरा नाम आकाश गौड़ है। क्या मामला है ये आगे? सर, रंजना मिश्रा जो है हमारी मम्मी से मेरे नौकरी के नाम पे जो है 2.5 लाख रुपये लिए हैं, इंडिगो एयरलाइंस पे जो है गोरखनाथ पे जो है मुझे 3 महीने तक रखें, वहाँ पे जो है 3 महीने तक मुझे इलेक्ट्रॉनिक काम में लगाए थे, और घर से कही कि तुम बताना मत, फर्जी दस्तावेज दिखा करके जो है इलेक्ट्रॉनिक काम करवाते थे हमें। और जब मुझे पता लगा, जब मैं घर पे आया सर, तो जब उनसे पैसा मांगने लगा 1.5 साल करीब जो कई किस्तों पे ली मुझसे 2.5 लाख रुपए, जब हम लोग पैसा मांगने लगे तो रंजना मिश्रा जो हमें धमकी, जान से मारने की धमकी देने लगी और छेड़छाड़ के केस में जो है फंसाने लगे। पैसा जो जब मांगते थे पैसा वापस अभी नहीं किए सर। आप कहाँ हैं, किससे? सर, हम लोग एसपी सर के यहाँ आए हैं, एसपी ऑफिस में। सर बोल रहे हैं सर न्याय होगा, हम लोग यही चाहते हैं सर हम लोग को न्याय मिले। हमारा नाम मुन्नी है। कहाँ के रहने वाले? जाफरपुर काशीराम आवास। काशीराम आवास, क्या मामला है, क्या प्रश्न? मामला यही है कि हमारा लड़का के नौकरी जहाज के दिलाने के पर रंजना मिश्रा पैसा लिए हैं, हम गनिया गोरखपुर में जहाज एयरपोर्ट में जहाज में उसको नौकरी लगा देंगे, 2.5 लाख रुपया दे दी, मांगती है 3 लाख, लेकिन हम लोग 2.5 लाख कैसे करके गरीबी अपनी अथवा में मजबूरी में उसको वो दिए हैं, गाना गुड़िया सब कुछ ले ली, और हम बहुत परेशान हैं हम लोगों की। तो क्या हुआ, आपके लड़के को नौकरी मिली? नहीं मिली। कहाँ ले गई थी? यहाँ से गोरखपुर ले जाके 4 महीना वहाँ पर रख ले रानी है, रखने के बाद वहाँ जाल अथवा में लगा दे ले रानी कंपनी। अच्छा, तो फिर अब क्या हुआ, पैसा वापस नहीं? पैसा आपने मांगने पर धमकी दे रही हैं कि जाओ हम समझ लेंगे, नहीं देंगे, क्या करोगे?